हाय फ्रेंड्स, आज जा रहे हैं पार्टी पे। आपको बताया था कि मेरी फ्रेंड की बेटी की शादी है। पहले पूरे वीकेंड खंडपाठ था, गुरुद्वारे जाते थे हम, और आज उनके घर है, चुन्नी चढ़ाने आते हैं। तो वहाँ के भी मैं थोड़े से क्लिप्स शेयर करूँगी कि जब वो आते हैं लड़की को चुन्नी चढ़ाने, तो आज वो सेरेमनी है, तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। बाय बाय। अब ये छोटी छोटी रस्में शुरू हो चुकी हैं। लड़की को जैसे कानों में डालेंगे, टीका लगाएंगे, हाथों पे मेहंदी लगाएंगे। तो ये जितनी भी बिफोर मैरिज ट्रेडिशंस होती है, सो दे आर गोइंग टू डू दैट। दे हैव कम टू द गर्ल्स हाउस फ्रॉम बॉय साइड, सो दे आर गिविंग गिफ्ट दिस मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ, गिविंग गिफ्ट ब्लेसिंग्स। सो सब फ्रेंड्स ने भी हमने खूब इनको ब्लेसिंग्स दी। और ये जो डेकोरेशन है, शी डिड हर सेल्फ बिकॉज शी इज़ अ वेडिंग प्लानर। इतना खूबसूरती से इसने इसको डेकोरेट करा था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट वॉज ब्यूटिफुल। ऑल द ट्रेडिशंस वर डन ब्यूटिफुली एंड एवरीबॉडी इंजॉयड एंड वी हैड फन। इट वॉज अ डांस एंड म्यूजिक आफ्टरवर्ड्स which was really enjoyable, and we had a good food, and we all friends enjoyed and had fun. I really like to give and bless the couple, and उनको बहुत सारे प्यार और best wishes की। हम सब friends ने मिलकर और बहुत enjoyed। Decorate भी बड़ा अच्छा करा होगा, and they did a nice function. ये सुबह गुरुद्वारा शादी की थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने। सुबह 9 बजे हम सब वहाँ पहुँचे थे। इट्स अ वेरी वेरी बिग गुरुद्वारा, बिगेस्ट गुरुद्वारा इन द यूरोप। तो बहुत ही खूबसूरत गुरुद्वारा ये। तो यहाँ पे शादी थी, हम सब फ्रेंड्स आई यहाँ पे सुबह तैयार होके, और बारात की सभी लोग वेट कर रहे हैं। जब तक वेट कर रहे हैं तो हम अपनी अपनी थोड़ी वीडियो बना रहे हैं, फोटोग्राफ्स खींच रहे हैं। क्योंकि ये शादी पे मैं जैसे ही आई, आते ही मेरी बेटी का फ़ोन आ गया कि शी इज़ गोइंग टू बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। तो इसलिए ये शादी मैंने पूरी नहीं देखी, यहाँ तक देखी थी जहाँ जब बारात आई और मिलनी हुई। उसके बाद जो गुरुद्वारे में जो शादी एक्चुअली इनफेक्ट होती है, दोज फेरे एंड ऑल, आई कुडंट सी दैट वेडिंग, कंप्लीट वेडिंग, बिकॉज आई हैड टू रश टू द हॉस्पिटल टू पिक अप माय डॉटर एंड माय ग्रैंडसन। क्योंकि उन्होंने कहा कि आज छुट्टी कर देनी है, कि 5 दिन हो गए हैं, एंड दे बोथ हैव रिस्पोंडेड। तो बस फिर मैं वहाँ से फटाफट निकली। ये थोड़े से मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ गुरुद्वारा। शादी का जो पार्ट मैंने मिस करा था, मैं उनके घर चलेगी, क्योंकि विदाई तो लड़की की घर से ही होनी थी। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको देख के। तो ये पेरेंट्स का रस्म रिवाज कर रहे हैं, और ये हमारे में ट्रेडिशन होती है कि लड़की उनकी कॉल्स कर ली जाए, तो वो उनको जो भी ये गिरेंगे तो ये राइस पीछे, अब अनाज जैसे वो राइस का करते हैं ना, फुलियाँ होती हैं या राइस पीछे फेंकते हैं, वो लड़की ब्लेसिंग्स करती जाती है घर को कि ये घर हमेशा अन अनाज खुशी से भरा रहे। तो लड़कियाँ हमेशा जाती हैं, ये भी ब्लेस करती जाती हैं अपने पेरेंट्स को। ये हम लोग भी तो इट्स अ वेरी यू नो, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। उसके ब्रदर सारे उसको विदा कर रहे हैं। तो इसमें मुझे जो बहुत अहम रोल दिख रहा था ना, फादर का। फादर दे डोंट शो, फादर जैसे लॉस्ट बेचारे हो जाते हैं ना, जो डोंट शो देयर इमोशंस। लुक, दिस इज़ अ फादर,
फादर के लिए लड़की की विदाई वो वही महसूस कर सकता है। होंठों पे मुस्कान, चेहरे पे मुस्कान, पर अंदर से बहुत उदास।